started from Delhi band in 2011, Nasha. Yeah, 2010. Yeah. 2010 November. All Nasha. Right. Yeah. So tell us something about that. I did music because I didn't know what to do in my life, and I think I was meant to do it. Or main upar wale ka ek kuch place child mein apne aap ko kehta hu, aur ek khas haath hai unka mere upar. Aur I was going through a lot of trouble in my life with my family also. Like the whole family were going through a very difficult phase for a longer period of time, and I think there was nothing left, and I just wanted to be happy, and I just wanted to smile, and I wanted to get smile to my parents' house, and somehow I think music was that thing. Aur guitar maine pehli dafa tabhi uthaya tha isliye ki I just wanted to be happy. Aur I think jis din maine guitar utha liya aur jis din maine music wo pehla gana gaya aur mujhe jo smile aayi, and then I decided that no matter what, I anyhow don't have anything to do in my life, and this is what I want to do. And I didn't choose music. मैंने म्यूज़िक को चूज़ नहीं करा, म्यूज़िक ने मुझे चूज़ कर लिया. और उसके बाद पूरी कहानी पलट गई, और आज 10 साल हो चुके हैं. आई फॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट एवर सूफी रॉक बैंड विच इज़ कॉल्ड नशा, जो आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी रॉक बैंड है. और मैं यहाँ पर हूँ 10 साल के बाद अपना बॉलीवुड के अंदर अच्छे काम कर रहा हूँ. ओके, सो शशांक के नाम से जब आप मिले तो किस तरीके से बद्रीनाथ की लगी? हम सफ़र मैंने 2015 में लिखा था, 2014 के एंड में या 2015 में. एंड सिंस आई डेंट नो वट टू डू इन माई लाइफ विद माई सॉन्ग्स ऑल्सो, तो मेरा एक म्यूज़िक करियर शुरू हो चुका था. मैं परफॉर्म कर रहा था. नॉर्मली क्या होता है कि लोग आप अपना बॉलीवुड में पहले गाते हैं, और उसके बाद आप प्लेबैक पहले करते हैं, उसके बाद आप शोज़ करते हैं, और आप ट्रैवल करते हैं. मेरी जर्नी अलग थी, मेरी लाइफ अलग रही है. तो मैंने पहले ही ट्रैवल करना शुरू कर दिया इंडिया में और बाहर, इंडिया के बाहर अब्रॉड शोज़ के लिए. और मैं अपने शोज़ के लिए जाना चाहता था, तो मैं अपने साथ साथ अपने गाने लिखता था. और हम सफ़र मैंने लिखा था 2014 इंडिया 15 के अराउंड. और तभी आई थिंक हुमा कुरैशी, जो कि मेरी क्लासमेट रह चुकी हैं स्कूल में, तो मुझे याद है मैं बॉम्बे आया हुआ था ईद के अराउंड, और ईद का डिनर था हुमा के घर पे. तो शी इनवाइटेड मी फॉर द डिनर, शी न्यू दैट आई वाज इन बॉम्बे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर आयुष्मान खुराना, वहाँ पर दम लगा के आयशा की पूरी टीम थी, वहाँ पर शशांक केतान भी था. तो आई थिंक मुझे नहीं पता था, एंड एवरीबडी वॉज सिंगिंग जैमिंग. अमित त्रिवेदी सर वॉज ऑल्सो देयर. तो मैंने वो गाना गाया, और आई थिंक तभी मैंने हम सफ़र हुमा को शायद सुनाया होगा, हुमा को याद था. तो मैंने जब हुमा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैंने वो गाना गाना शुरू करा, तो हुमा समहाउ सेड दैट व्हाई डोंट यू सिंग योर ओन ओरिजिनल सॉन्ग हम सफ़र. तो मैंने वो हम सफ़र गाना गाया, और आई रिमेंबर वेरी वेल, हम सफ़र गाने के बाद मैं उठा, और मैं आई वॉज अबाउट टू ग्रैब माई ड्रिंक और समथिंग, एंड देन शशांक केम फ्रॉम बिहाइंड एंड ही जस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. ही सेड हाय आई एम शशांक केतान, मैंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बनाई है, और मैं अगली फिल्म बनाने जा रहा हूँ, जो कि दुल्हनिया सीरीज ही होगी और आएगी 2-2.5 साल के बाद. पर मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि वो वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ होगी. तो मुझे उसके लिए आपका ये गाना हम सफ़र चाहिए. तो आई थिंक उन्होंने वो, और बहुत मुझे वो उनका वो एक जेन्युइन सा प्रॉमिस लगा था. तो हम सफ़र 2017 में आया, बट शशांक केतान बद्रीनाथ के दुल्हनिया के लिए 2015 में ही ले चुके थे उस गाने को. एंड एज सून एज द डे द फिल्म गॉट अप्रूव बाय करण जौहर सर, एंड आई रिमेंबर वेरी वेल, मैंने वो न्यूज़ में देखा था रात को, वो लिखा आया था कि शशांक केतान की अगली फिल्म बद्रीनाथ अप्रूव हो चुकी है और फ्लोर पे जाने को तैयार है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द वेरी फर्स्ट कॉल दैट आई गॉट, आई थॉट आई विल कॉल शशांक एंड कॉन्ग्रेचुलेट, बट आई दैट्स वॉट द जेन्युइनिटी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम. The promise that he made in 2015, he continued to maintain, kept it, make it genuine, keep it genuine, and he really wanted Humsafar. और उसने मुझे सुबह फ़ोन करके बोला let's come on board and let's do Humsafar. तो I think आपने आपने एक स्टोरी रही Humsafar की. जी ओके, सो फ्रॉम बद्री टू कबीर सिंह, व्हाट चेंजेस यू हैव सीन इन योरसेल्फ? आई थिंक मैंने इतने अपने आप में चेंजेस नहीं देखे जितने लोगों ने चेंजेस, लोगों को लगा कि इसमें चेंजेस हो गए होंगे, क्योंकि आई रियली फील मैंने एक तरह का एक पॉपुलैरिटी स्टारडम बॉलीवुड में आने से पहले अपने लाइव शोज़ के दौरान देखा था. तो मुझे पता था कि वो मुझे चीज़ कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकती. यस, एक रीच बढ़ जाती है आपकी और लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है, बट आई थिंक ये जनरली आर्टिस्ट के साथ होता है. आर्टिस्ट हमेशा एक उस दायरे पर रहता है आपकी नज़रों की कि बहुत ईजी टू जज होता है आर्टिस्ट, कोई भी इजीली जज कर लेता है. और अगर आप कुछ भी, आपकी एक एक चीज़, एक एक मूवमेंट को लोग जज करना शुरू कर देते हैं, तो उनको लगता है कि अब ऐसा बड़ा हो गया तो अब ये बदल जाएगा. बट आई थिंक आपको कभी किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि वही लोग जब आपका वापस से नेक्स्ट कुछ बड़ा आएगा, तो जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं वो वापस अच्छा बोलने लगेंगे, और जो लोग
जिन्होंने नहीं बोला वो तो कभी बोलेंगे नहीं. तो आई थिंक चेंजेस सिर्फ यही आया कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ गई. समय लगा 2017 में हम सफ़र आया और 2019 में कबीर सिंह आया तेरा बन जाऊंगा. बट दोनों गाने इतने बड़े ब्लॉकबस्टर रहे. ये ऊपर वाले का एक बहुत खास हाथ नहीं है तो और क्या चीज़ है कि दोनों ही मेरे गाने बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ बॉलीवुड एवर लव सॉन्ग्स रहे हैं. तो मैं शुक्रगुजार हूँ और आई थिंक यही एक खास बात है मेरी. ओके सो व्हाट डू यू थिंक हु इज द बिगेस्ट कंपटीशन फॉर यू इन दिस इंडस्ट्री? देयर इज नो कंपटीशन. आई थिंक देयर इज और ये किसी के लिए भी नहीं है कंपटीशन. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ कहने की बात होती है. मुझे हमेशा अच्छा ये लगता है कि जो गाने मुझे ऑफर होते हैं वो हमेशा ही एक चीज़ तो ज़रूर है कि जो गाने मुझे दिए जा रहे हैं गाने के लिए या फिर जो गाने लोगों को लगता है कि अखिल गा सकता है तो वो सीधा ही या तो आतिफ या अरिजीत को दिए जा रहे हैं. तो एक वो बहुत बड़ी बात है कि और अभी मैं सिर्फ दो या तीन गाने पुराना हूँ बॉलीवुड के अंदर. और तो बट कॉम्पिटिशन सिर्फ आई थिंक खुद से ही है हर किसी का. यहाँ पर आजकल सोशल मीडिया में इतना बढ़ चुका है कि पॉपुलर कोई भी हो सकता है. यहाँ पर आप गंदा गाना भी गा दें तो भी आप पॉपुलर हो सकते हैं. बट वो पॉपुलैरिटी कुछ समय के लिए रह सकती है. तो अगर आप जुनूनी नहीं हैं, आप करना नहीं चाहते ये चीज़, सिर्फ पॉपुलर होना चाहते हैं, तो वो आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करती वो चीज़. तो कॉम्पिटिशन आई थिंक हर एक का अपने आप से है. यहाँ किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. और अपने आप को बेटर करते रहिए यही, और कंटेंट अपना बनाते रहिए. आई थिंक व्होएवर इज़ अ कंटेंट मेकर ही इज़ द विनर इन द एंड. कबीर सिंह में से कबीर सिंह फिल्म में से आई थिंक सारे गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. और पर आई थिंक मेरा जो पर्सनल फेवरेट है और जो बहुत खूबसूरत मेलेडी है वो है विशाल मिश्रा की कैसे हुआ. आई थिंक उस वो मेलेडी मुझे समहाउ एक वो ऐसी फ्रेशनेस लगी कि जिसे मैं गुनगुनाना चाहूँगा. बट मुझे लगता है कि विशाल ने जिस कदर उसको गा दिया है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग द सेम वे. एंड ऑफकोर्स लाइक जो लेजेंडरी अब अरिजीत सिंह ने जो तुझे कितना चाहने लगे हम वो गाया है तो अब वो है ही. लाइक यू का ही कांट गो रोंग विद सच सॉन्ग्स. तो वो है ही. बेख्याली एक नई चीज़ आई थी बट मुझे मेलेडीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. मैं खुद एक मेलेडी मेकर हूँ तो मुझे कैसे हुआ इज़ माई फेवरेट सॉन्ग आधा दिन तेरा बन जाऊँगा जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है. मैं सबके लिए गाना चाहता हूँ बट जैसे कि मैं अभी पहले भी बोला था कि मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्द से जल्द रणबीर कपूर के लिए गाऊँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा और उसका सोल एक जैसा है और आई कनेक्ट टू हिम एंड आई वांट टू सिंग फॉर रणबीर. तो जहाँ कहीं आप सुन रहे हो या टी सीरीज मुझे लगता है मेरा ये जरूर ये सपना पूरा करेगी और मैं बहुत बड़ा हिट गाना दूंगा रणबीर को. बहुत लोगों ने बोला बट दैट्स आई थिंक अभी कई लोगों ने कल या परसों इनफैक्ट कि कई लोगों ने मेरी वीडियो भेजो रिप्राइज वर्जन की वीडियो आई है उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया दैट ही इज़ अ मिक्स ऑफ आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल. बहुत लोगों ने और आयुष्मान खुराना तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कभी कभी मुझे अपार शक्ति खुराना भी कई लोग बोलते हैं बट अब हम पंजाबियों का कसूर नहीं है. वैसा है हमारा फेस और स्ट्रक्चर तो अच्छी बात है कोई बात नहीं बट जब मेरा अपना टाइम चलता चलता आएगा तो लोग फिर बोलेंगे ये अखिल की तुम्हारा लगता है. आई डेफिनेटली एम आई थिंक मैं ये बहुत टाइम्स बोलता आ रहा हूँ हम रिक्रिएशन की सपोर्ट में है या नहीं है वो मैटर नहीं करता. रिक्रिएशन बनते भी इसलिए हैं क्योंकि रिक्रिएशन की डिमांड भी बढ़ रही है ना. अगर लोग रिक्रिएशन मांगेंगे नहीं, अगर आप लोग ऑडियंस पसंद ही नहीं कर रही होती तो रिक्रिएशन बनते भी नहीं. रिक्रिएशन बनते हैं बट आई थिंक रिक्रिएशन का भी मैं हमेशा से पहले दिन से बोलता हूँ अगर आप पुराने गानों को किसी भी लेजेंडरी सॉन्ग को टच करते हैं उसका सोल इंटैक्ट रखना चाहिए, उसके सोल से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए. और आपको कभी भी रिक्रिएशन में जो भी आप चेंजेस जो भी आप अपनी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो इस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए कि आजकल ट्रेंड में ये चल रहा है तो ये डाल देना चाहिए म्यूज़िक के अंदर या गाने के अंदर. आपको उस गाने का सोल ध्यान हमेशा रखना चाहिए और उसके हिसाब से जो आपको लगता है आपकी अप्रोच एक बेहतर हो सकती है दैट दिस सॉन्ग ऑल्सो रीचेज टू द सोल. अगर वो गाने का आप रिक्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसने कहीं ना कहीं आपको और ऑडियंस को और हम सबको कहीं ना कहीं इतना छुआ है कि वो आज भी वो लेजेंडरी गाना बन चुका है या फिर एक आइकॉनिक सॉन्ग बन चुका है. तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि जो आपका भी रिक्रिएशन हो वो भी आइकॉनिक ही बने. तो ऑलवेज मेंटेन द सोल ऑफ द सॉन्ग एंड दैट्स माय वे दैट्स माय अप्रोच. लास्टली गाने से पहले एक बार सॉन्ग हो जाए तेरा बन जाऊंगा. वाओ दैट्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. लखा तो विवद के है तेरी यारी
सोना तेरा दिल तू भी कितनी प्यारी सीने मेरे लग आ जा एक वारी ले जान ले सारी तेरे चेहरे ते ना फिक्र मिलाऊंगा खुद रोंदे रोंदे तेनू मैं हसाऊंगा किसी और से ना दिल में लगाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा तेनू पिछरा चढ़ के ना जाऊंगा किते बाते Thank you so very much. Channel ID, your name, you're watching me on CineSpeak. Speaks. Wow. Should I? Yeah. Hello everybody, I'm your favorite Nasha boy, Akhil Sajdeva, and you're watching me on CineSpeaks. Super awesome.